बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज आपकी सेकेंड एचओडी क्लास में इंग्लिश के सब्जेक्ट का डे फोर स्टार्ट हो रहा है और आप इंग्लिश की बुक से क्या लीजिए जी। स्टूडेंट्स, इंग्लिश की बुक में यूनिट नंबर 11 की हम रीडिंग कर रहे हैं। हमारे फोर पॉइंट्स कंप्लीट हो चुके हैं रीडिंग में। आज हम पॉइंट नंबर 5 से रीडिंग स्टार्ट करेंगे, नॉइज इन द एनवायरमेंट की। यूज ऑफ टेक्नोलॉजी 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 Use of technology is another cause of noise pollution. For example, unmonitored use of mobile phones, electricity generators, music. अच्छा, इसको क्या पढ़ना है? Electricity. मैंने किसी और क्लास में भी शायद ये बात बताई है कि इसको बाज बच्चे इलेक्ट्रिक सिटी बोलते हैं, जो कि बहुत बड़ी गलती है। इसको क्या पढ़ते हैं? इलेक्ट्री सिटी। देखिए, आखिर में ये सिटी बन जाता है, इलेक्ट और ये ट्री और सिटी, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी क्या है ये वर्ड? इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर्स, म्यूजिक सिस्टम्स एंड टीवी ऑल बिकम इरिटेंट्स 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 फ्रॉम टाइम टू टाइम। पीपल यूजुअली यूजुअली डू नॉट स्विच ऑफ देयर मोबाइल्स और पुट दैम ऑन साइलेंट मोड्स व्हेन दे एंटर ऑफिसेस, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स एंड कॉलेजेस। दे ऑल्सो यूज इलेक्ट्रिसिटी जेनरेटर्स एक्सेसिवली इन रेजिडेंशियल एरियाज एंड पुट अदर रेजिडेंट्स इल एट ईज। मोर ओवर, लिसनिंग टू लाउड म्यूजिक और टीवी ऑन अ लाउड वॉल्यूम is another source of noise pollution. For this, people need to develop some civic responsibility so that others may not be in trouble because of their careless actions. अब हम इसकी ट्रांसलेशन करते हैं। Use of technology is another cause of noise pollution. Technology का इस्तेमाल शोर की आलूदगी की एक और बड़ी वजह है या जरिया है। For example, मिसाल के तौर पर unmonitored use of mobile phones का, अच्छा ये मुख्तलिफ चीजें पहले सबके बारे में पढ़ लेते हैं। mobile phones, electricity generators, music systems and TV all become irritants from time to time. वो कह रहे हैं मिसाल के तौर पर मोबाइल फोन, बिजली के जनरेटर्स, मौसीकी के आलात म्यूजिक सिस्टम्स एंड टीवी और टेलीविजन, तमाम वक्त गुजरने के साथ साथ ये बड़े इश्तियाल अंगेज हो चुके हैं, यानी गुस्सा दिलाने वाले, इरिटेट करने वाले, तकलीफ देने वाले बन चुके हैं वक्त के साथ साथ। पीपल यूजुअली डू नॉट स्विच ऑफ देयर मोबाइल्स। लोग आम तौर पर अपना फोन, अपना मोबाइल फोन ऑफ नहीं करते, स्विच ऑफ करना बंद नहीं करते, और पुट देम ऑन साइलेंट मोड्स, और ना ही उनको वो एक ऐसे कर दिया जाता है ना कि साइलेंट मोड पे फोन को लगा दिया जाए जिससे बेल की आवाज ना आए। व्हेन दे एंटर ऑफिसेस, इसको एंटर बोलने क्योंकि ये EN है, एंटर, इसको बाद इंटर कहते हैं जो कि गलत लगता है, इट इज एंटर। तो जब वो कहाँ दाखिल होते हैं? व्हेन दे एंटर, जब वो दाखिल होते हैं ऑफिसेज में, हॉस्पिटल्स में, स्कूल्स में और कॉलेजेस में। दे ऑल्सो यूज इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर्स एक्सेसिवली, और वो बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं बिजली के जनरेटर्स का इन रेजिडेंशियल एरियाज। रेजिडेंशियल का मतलब है रिहायशी इलाकों में बिजली के जनरेटर्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। एंड पुट अदर रेजिडेंट्स इल एट ईज, रेजिडेंट्स का मतलब है रिहायशी, जैसे ये रिहायशी एरिया है, उस एरिया में रहने वाले लोगों को कहते हैं रेजिडेंट्स, रिहायशी, और बाकी रिहायशियों को इल एट ईज यानी मुस्तकिल तौर पर तकलीफ में मुबतला रखते हैं हर वक्त जनरेटर्स चलाकर। मोर ओवर, लिसनिंग टू लाउड म्यूजिक ऑन टीवी
ऑन अ लाउड वॉल्यूम इज अनदर सोर्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन. इसके अलावा ऊंची आवाज में टीवी पर म्यूजिक सुनना या वैसे म्यूजिक सुनना भी शोर की आलूदगी की एक वजह है. फॉर दिस इसलिए इसके लिए पीपल नीड टू डेवलप सम सिविक सेंस. लोगों को अपने अंदर एक सिविक सेंस पैदा करने की जरूरत है, यानी जिम्मेदारी पैदा करने की जरूरत है. सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? शहरी जिंदगी में रहने का असूल कि आप अपनी वजह से किसी को तकलीफ ना पहुंचाएं, सो दैट अदर्स मे नॉट बी इन ट्रबल बिकॉज ऑफ देयर केयरलेस एक्शंस, ताकि दूसरे उनके इस लापरवाही वाले जो उनके हरकतें हैं या आमाल हैं उनकी वजह से दूसरे लोग तकलीफ में मुबतला ना हो. तो स्टूडेंट्स, ये पॉइंट नंबर 5 आज आपने डे 4 पर रीड करना है. इसको बार बार सुनिए और इसकी रीडिंग कीजिए. अब हम चलते हैं क्वेश्चन आंसर्स की तरफ. जी स्टूडेंट्स, अपने स्टैंडर्ड नोट्स पर नॉइज इन द एनवायरमेंट के क्वेश्चन आंसर्स निकाल लीजिए. जी अब आप देखिए डे 4 पर आप अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे तैयार. हाउ इज यूज ऑफ टेक्नोलॉजी कॉजिंग पोल्यूशन? और इसका आंसर है यूज ऑफ टेक्नोलॉजी सच एज मोबाइल फोन्स, इलेक्ट्रिक जनरेटर्स, म्यूजिक सिस्टम्स एटसेट्रा एटसेट्रा. इसको क्या पढ़ना है? ये होता है दरअसल ETCETRA. इट इज एट सेट रॉ एटसेट्रा, जिसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है ETC, और इसको हमेशा यही पढ़ते हैं एटसेट्रा एटसेट्रा. इसका मतलब है वगैरह वगैरह. ऑल्सो प्रोड्यूस, यहाँ प्रोड्यूसर्स लिखा हुआ है, आप इसको ठीक कर लीजिए. ऑल्सो प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ नॉइज एंड आर अ कॉज ऑफ नॉइज पोल्यूशन. अभी हमने इसी पैराग्राफ की रीडिंग की है. अब इसी से रेलेवेंट एक क्वेश्चन है जिसका हमने आंसर पढ़ा है. इसको आज के दिन डे 4 पर अपनी इंग्लिश की नोटबुक्स पर नोट कीजिए और इसको जुबानी याद कर लीजिए. जी स्टूडेंट्स, आपने अपने नोट्स पर आगे उसी तरह लेटर राइटिंग की तरफ जाना है. हम एक नेक्स्ट लेटर भी पढ़ेंगे. राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड कॉन्ग्रेचुलेटिंग हर ऑन हर बर्थडे. वही पैटर्न है, एग्जामिनेशन हॉल कॉमा सिटी A.B.C. डेट. फर्ज करें आपके पास आज मई की 4 तारीख है, तो आप ऐसे करेंगे May 4, 2020 फुल स्टॉप. माई डियर फ्रेंड कॉमा आई एम फाइन हेयर, आई होप यू विल बी फाइन टू. योर लेटर केम टू हैंड अ फ्यू डेज अगो. आई कुड नॉट रिप्लाई सून बिकॉज आई वॉज नॉट फीलिंग वेल. आई हैड अ स्लाइट कोल्ड. आई टुक रेस्ट एंड मेडिसिन. नाउ आई एम क्वाइट फिट एंड फाइन. यहां तक तो पैराग्राफ ऑलरेडी आपको याद है. अब आगे लेटर शुरू हो रहा है. आई एम स्पेशली राइटिंग दिस लेटर टू कॉन्ग्रेचुलेट यू. यहां टू एक्स्ट्रा लिखा था, मैंने उसे काट दिया है. टू कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑन योर बर्थडे. आई ओ यू अ गिफ्ट एंड यू विल गेट व्हेन यू कम टू लाहौर. सलाम टू ऑल एट होम योर फ्रेंड कॉमा X.Y.Z. तो स्टूडेंट्स, ये लेटर आपने आज डे 4 पर अपनी इंग्लिश की नोटबुक्स पर नोट करना है और इसको आपने जुबानी याद करना है. जी स्टूडेंट्स, इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन. जी स्टूडेंट्स, इस बुक का इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन का पेज नंबर 98 निकाल लीजिए. अब हम करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की ट्रांसलेशन एक्सरसाइज. उसमें आपको पता है कि हेल्पिंग वर्ब्स क्या इस्तेमाल होते हैं, वॉज और वर, और बाकी सारा रूल तो सेम रहता है. वो तेज दौड़ रहा था, ही वॉज रनिंग फास्ट. तुम कहानी सुना रहे थे, यू वर टेलिंग अ स्टोरी. वो अपनी गाड़ी बेच रहे थे, दे वर सेलिंग देयर कार. यू वर टेलिंग अ स्टोरी. वो अपनी गाड़ी बेच रहे थे, दे वर सेलिंग देयर कार. वो सख्त रो रही थी, शी वॉज वीपिंग बिटरली. हम गहरी नींद सो रहे थे, वी वर स्लीपिंग साउंडली. घोड़े खेत में चर रहे थे, हॉर्सेज वर ग्रेजिंग इन अ फील्ड. कुत्ता रात को भौंक रहा था, द डॉग वॉज बार्किंग एट नाइट. बच्चे शोर मचा रहे थे, चिल्ड्रन वर मेकिंग अ नॉइस. कुछ लड़के सूखे पत्ते इकट्ठे कर रहे थे, सम बॉयज वर कलेक्टिंग ड्राई लीव्स. उसका भाई मिल में काम कर रहा था, हिज ब्रदर वॉज वर्किंग इन अ मिल. मेरा वालिद अपने दोस्तों का इंतजार कर रहा था, माई फादर वॉज वेटिंग फॉर हिज फ्रेंड्स. मेरे वालिद होना चाहिए. सुबह बारिश हो रही थी, इट वॉज रेनिंग इन द मॉर्निंग. लोग पतंगे उड़ा रहे थे, पीपल वर फ्लाइंग काइट्स.
बूढ़ा कमरे में ऊंग रहा था, ऊंगना यानी उसको नींद आ रही थी, सो रहा था। द ओल्ड मैन वॉज डोजिंग, ऊंगने के लिए क्या वर्ड इस्तेमाल होता है, डोजिंग, DOZING, डोजिंग इन द रूम। दूसरा डोज जो होता है वो तो दवाई की डोज होती है और वो एस से होता है, DOS। हम दोपहर के वक्त खबरें सुन रहे थे, वी वर लिसनिंग टू द न्यूज एट नून। अब इन सेंटेंसेस के आगे मजीद सेंटेंसेस दिए गए हैं जो कि नेगेटिव बनाना है जुमलों को, यानी हेल्पिंग वर्ब के फौरन बाद हम नॉट लगाएंगे। चपरासी घंटी नहीं बजा रहा था, द पीएन वॉज नॉट रिंगिंग द बेल। अमीर आदमी गरीब को खैरात नहीं दे रहा था, द रिच मैन वॉज नॉट गिविंग एम्स टू द पुअर। लड़का सवाल हल नहीं कर रहा था, द बॉय वॉज नॉट सॉल्विंग द सम। हम एक साथ सफर नहीं कर रहे थे, वी वर नॉट ट्रेवलिंग टूगेदर। उस्ताद साहब हमें अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहे थे, द टीचर वॉज नॉट टीचिंग अस इंग्लिश। मैं पैदल नहीं चल रहा था, आई वॉज नॉट गोइंग ऑन फुट। वो झूठे वादे नहीं कर रहे थे, दे वर नॉट मेकिंग फॉल्स प्रोमिसेस। वो तैर कर दरिया पार नहीं कर रहे थे, दे वर नॉट स्विमिंग अक्रॉस द रिवर। हुकूमत उसको रिहा नहीं कर रही थी, द गवर्नमेंट, ये क्या वर्ड होता है, गवर्नमेंट, इसमें एन साइलेंट होता है, द गवर्नमेंट वॉज नॉट लीजिंग हिम। ताजर वापस घर नहीं आ रहा था, द मर्चेंट वॉज नॉट कमिंग बैक होम। अब इसके बाद आप देखिए नीचे उन्होंने दिए हुए हैं इंटररोगेटिव सेंटेंसेस। क्या है ये वर्ड, इंटररोगेटिव, इंटररोगेटिव सेंटेंसेस, सवालिया जुमले। क्या वो खेलों में हिस्सा ले रहा था, इसका रूल क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब जुमले के शुरू में आ जाता है। वॉज ही टेकिंग पार्ट इन द गेम्स, क्या आप सर्दी से कांप रहे थे, वर यू शिवरिंग विद कोल्ड, क्या गरीब बच्ची चीख रही थी, वॉज द पुअर गर्ल शाउटिंग, क्या मुसाफिर घोड़ों पर सवारी कर रहे थे, वर द ट्रेवलर्स राइडिंग द हॉर्सेस, क्या वो शहर को खूबसूरत बना रहे थे, वर दे मेकिंग द सिटी ब्यूटिफुल, वो क्यों पैदल चल रहे थे, वाई वर दे वॉकिंग ऑन फुट, तुम इधर उधर कहाँ फिर रहे थे, वेयर वर यू रोमिंग अबाउट, मैं आसमान की तरफ कब देख रहा था, वेन वॉज आई लुकिंग एट द स्काई, वो तस्वीर कैसे बना रहा था, हाउ वॉज ही ड्रॉइंग अ पिक्चर। ड्रॉइंग की स्पेलिंग देखिए, यहाँ मेकिंग लिखा है, आप इसको काट के ड्रॉइंग कर लीजिए, पिक्चर हमेशा जो खुद बनाते हैं वो ड्रॉ करते हैं। क्या दोनों खिलाड़ी गेंद के पीछे भाग रहे थे, वर बोथ द प्लेयर्स रनिंग आफ्टर द बॉल, आपके बारे में कौन पूछ रहा था, हु वॉज आस्किंग अबाउट यू, वो जंगल से कब गुजर रहे थे, वेन वर दे पासिंग थ्रू द फॉरेस्ट, शेर कहाँ पानी पी रहा था, वेयर वॉज द लॉयन ड्रिंकिंग वॉटर, तुम्हारा भाई किसको खत लिख रहा था, होम वॉज योर ब्रदर राइटिंग द लेटर टू, मोसेस मेहमानों को हार कौन पहना रहा था, हु वॉज गारलैंडिंग द ऑनरेबल गेस्ट्स। तो ये तीनों एक्सरसाइजेस स्टूडेंट्स आपने आज के दिन में डे फोर में अपनी नोटबुक्स पर तो नहीं आप नोट करेंगे, लेकिन आप इसी बुक से ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की जो एक्सरसाइज है, सॉल्व्ड एक्सरसाइज, इसको रिवाइज करेंगे यहाँ से सुन के और बहुत अच्छी तरह से याद कर लेंगे। अच्छा बेटा, आप डे फोर की तरफ चलते हैं। अब डे फोर में हमारे पास क्वेश्चन क्या आते हैं देखें आप। अच्छा बेटा, डे फोर में देखें, एक्सरसाइज हमारी 5.3 खत्म हो गई, अब नेक्स्ट 5.4 एक्सरसाइज है। अब इसमें एक ही सवाल आपको समझूंगा कि इसमें जितने भी सवाल हैं, यानी कि 8 सवाल टोटल हैं, जितने भी सवाल हैं इसी में से होंगे। अब मैं इसको पूरा डिटेल से समझाऊंगा, इसको आपने पूरा डिटेल से समझना है, बहुत ही आसान है। अगर आपने इस सवाल को देख लिया और जितने भी सवाल आपकी बुक में हैं अगर आपने उनको हल करना शुरू किया तो इसी मेथड से हल करेंगे तो आपके जवाब खुद ब खुद आते जाएंगे, लेकिन मैं आपको पूरी डिटेल से इस बात को समझाऊंगा। देखिए हम, वो कहते हैं फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग क्यूबिक पॉलिनोमियल बाय फैक्टर थ्योरम। अब वो यहां पे कहता है कि आपने इस इक्वेशन के यहां पे याद रखो, ये क्यूबिक इक्वेशन हमें दी गई है और इसको हमने फैक्टर थ्योरम के, अब फैक्टर थ्योरम भी वही है कि अगर दो नंबर को मल्टीप्लाई करो और उसका रिमाइंडर जीरो आ जाए तो वो हम कह सकते हैं कि ये इसका फैक्टर है। यानी कि फैक्टर मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास कोई नंबर है, जैसे हम कहते हैं ना कि 10 है, 10 को अगर हम 2 पे डिवाइड करें तो 2 5 टाइम 10 हो जाता है, यानी कि 2 यानी कि 10 जो है वो 2 और 5 के फैक्टर से मिलकर बनना है, तो यानी कि ये इसका फैक्टर है, 5 जो है वो इसका फैक्टर हो जाएगा 2 का, क्योंकि उसका जवाब 10 आता है। तो जब कोई नंबर पूरा पूरा डिवाइड हो जाए और रिमाइंडर 0 आ जाए तो उसको भी हम फैक्टर थ्योरम के रूप में उसके कह सकते हैं कि ये फैक्टर थ्योरम है। अब आप देखें पी ऑफ एक्स क्या है, एक्स क्यूब माइनस 2x² - x + 2। अब यहाँ पे कहते हैं पॉसिबल फैक्टर ऑफ कॉन्स्टेंट जीरो ऑफ पी ऑफ एक्स आर पी, यानी कि पॉलिनोमियल हमारे पास क्या है, पॉसिबल फैक्टर क्या है, +1 +-2 +3 एंड पॉसिबल फैक्टर ऑफ लीडिंग कोफिशियंट 1
और क्यू इज इक्वल टू प्लस माइनस वन। इसका मतलब ये है, देखो इसका मतलब ये है कि आप जब सवाल को हल करेंगे उसको प्लस वन पुट करें, क्या उसका जीरो आता है? नहीं आता, फिर आप माइनस वन पुट करें, नहीं आता फिर प्लस टू पुट करें, फिर माइनस टू पुट करें, जब तक जीरो ना आए आप उसको पुट करते जाएं, और जब जीरो आ जाए तो उसके बाद आपका फैक्टर जो है वो पूरा हो जाएगा। क्योंकि उसने कहा ना फैक्टर थ्योरम से, फैक्टर थ्योरम की ये निशानी है कि जब हम किसी पॉलिनोमियल में वैल्यूज जब पुट करते हैं तो उसका रिमाइंडर जब जीरो आ जाता है तो हम कह सकते हैं ये इसका फैक्टर है। अगर नहीं आता तो हम उसमें वैल्यूज बारी बारी पुट करेंगे, यानी कि जो हमारे पास यहाँ पे पॉलिनामियल में जो वैल्यूज दिए हैं प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू प्लस माइनस थ्री, तो हम इन सवालों को ऐसे हल करेंगे, यानी कि पहले प्लस वन पुट करेंगे, हो गया फैक्टर ठीक है, ना हुआ फिर माइनस वन पुट करेंगे, यानी चेक करेंगे प्लस वन के साथ माइनस वन के साथ, प्लस टू के साथ माइनस टू के साथ, प्लस थ्री के साथ माइनस। लेकिन अगर आपके पास प्लस वन के साथ नहीं हुआ तो माइनस वन हो गया, तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर प्लस वन के साथ चेक किया नहीं हुआ, माइनस वन के साथ नहीं हुआ, फिर प्लस टू की बारी आएगी, उसके साथ हो गया तो फिर माइनस टू के साथ करने की जरूरत नहीं है, एज इट इज वहां पर आगे छोड़ दें और आगे सवाल को हल करें। तो यहां पे वो ये कह रहा है, थस द एक्सपेक्टेड जीरो ऑफ पी ऑफ एक्स आर, यानी कि पी ऑफ क्यू इज इक्वल टू प्लस माइनस वन पी प्लस माइनस टू। तो पी ऑफ, अब इसमें हम क्या करेंगे, देखें इस पॉलिनोमियल को हमने लिया, उसमें पहले वन पुट किया, अब वन पुट किया तो वन का क्यूब वन का स्क्वायर वन, और ये जब हम इसको हल करते हैं जीरो, तो देखो ये खुशकिस्मती होगी कि हमारा इससे जीरो आ गया। अब लिखेंगे क्या, हैंस एक्स इज इक्वल टू वन, क्योंकि वन पुट किया, इज अ जीरो ऑफ पी ऑफ एक्स एंड देयर फोर, अब एक्स इज इक्वल टू वन है तो एक्स माइनस वन फैक्टर, जैसे पहले हम करते थे ना, देखें जब हमारे पास पहले कोई नंबर होता था एक्स माइनस टू कह देते तो हम खुद उससे जीरो पुट करते, एक्स इज इक्वल टू टू निकालते थे, लेकिन जब हमारे पास क्या होगा, हमने डायरेक्ट वन पुट किया तो एक्स इज इक्वल टू वन पुट किया, तो जब हम इसको इधर ले आएंगे तो एक्स माइनस वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। तो हमारे पास जो डिवाइजर बन जाएगा वो क्या होगा, एक्स माइनस वन हो जाएगा। तो यहां पर इसलिए लिखा है हमने, Hence, x is equal to 1 is 0 of p of x and therefore x minus 1 is a factor of p of x. इसका मतलब क्या हुआ कि x minus 1 ये हो गया, इसका क्या है पॉलिनोमियल का, ये पूरा पूरा फैक्टर बन जाता है, क्योंकि ये डिवाइड होकर डिनोमिनेटर क्या आता है, जीरो आता है। तो यहां पे इसलिए लिखा है therefore x minus 1 is a factor of p of x. अब नाउ p ऑफ माइनस वन, अब माइनस वन पुट करें, माइनस वन का क्यूब ये पुट करेंगे तो इससे जवाब भी हमारे पास जीरो आता है। तो हैंस एक्स इज इक्वल टू माइनस वन इज जीरो ऑफ पी ऑफ एक्स एंड देयर फोर एक्स प्लस वन इज अ फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स। अब हम टू पुट करते हैं, नो टू पुट करते हैं उससे भी जीरो आ जाता है, हैंस एक्स इज इक्वल टू टू इज अ फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स एंड देयर फोर एक्स माइनस टू इज अ फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स। तो हैंस रिक्वायर्ड फैक्टर आर एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन एक्स माइनस टू, यानी कि जब हमने इसमें पुट करना शुरू करेंगे तो हमारे पास क्यूबिक इक्वेशन है, तो हमने पहले वन पुट किया फिर माइनस वन पुट किया फिर टू पुट किया, अगर फर्ज करो वन पुट किया नहीं होता तो हम माइनस वन पुट करेंगे फिर उसके बाद टू पुट करेंगे फिर माइनस टू, यानी कि तीन नंबर जरूर होने चाहिए। तो जब हमारे पास तीन नंबर वन माइनस वन टू, अब अगर फर्ज करो टू से ना होता माइनस टू करते तो फिर क्या होता, एक जवाब ये आ जाता एक्स माइनस वन, एक जवाब मेरे पास जो है वो एक्स प्लस वन हो जाता, अब टू से नहीं होता तो फिर माइनस टू पुट कर तो एक्स प्लस टू हो जाता, लेकिन हमारे पास ये तीनों नंबरों से जीरो आ गया है तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं हैंस रिक्वायर्ड फैक्टर ऑफ एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन एक्स माइनस टू। तो सेम यही आपने अगला क्वेश्चन टू बी थ्री बी फोर बी फाइव सिक्स सेवन एट खुद करने हैं, ये बहुत ही आसान है, इसलिए मैंने आपको एक क्वेश्चन समझाया, आप इसको हल करें। अगर इसमें आपको कोई क्यूरी हो तो फिर बेशक, आपको मैंने पहले ही बताया था कि सर अफजाल से रब्ता करें, वो मुझे बताएगा, तो मैं इस तरह का एक और क्वेश्चन भी आपके लिए समझा के आपको वीडियो भेज दूंगा आप कर, लेकिन आप पहले खुद हल करें ताकि आपको समझ आ जाए। अगर आप मैं लिख आपको सारे सवाल समझा दूंगा तो फिर आपको तो समझ आ जाएगी, लेकिन जब तक खुद हल नहीं करेंगे आपको नहीं आएगा, क्योंकि मैथमेटिक्स प्रैक्टिस के बगैर नहीं आता। अब हमारा 5.4 खत्म हो गया, अब हमारे जो है थ्योरम है, जो मैंने आपको दो थ्योरम कराने हैं वो 10.3 और 10.4। अब हमारा जो डे 5 होगा वो थ्योरम की तरफ जाते हैं, चलते हैं अब थ्योरम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज 6 मई है यानी आपकी सेकेंड एचओडी का चौथा दिन, आइए आज का उर्दू का सबक शुरू करते हैं। जी यहां से हमने पढ़ना शुरू करना है पेज नंबर 40 से, महीने भर में बेचारे का कचूमर निकल गया, यक्के का हुआ जुआ है, ये मतलब वो जो आगे वो लगाते हैं ना उसकी गर्दन के साथ उसको कहते हैं, देखते ही बेचारे का हौ छूट जाता, यानी वो बेचारा हांप जाता, वो परेशान हो जाता, एक एक कदम चलना दूभर था, हड्डियां निकल आई थी, लेकिन असील जानवर था, मार की ताब नहीं थी। असील मतलब असली जानवर था, जो उसको नस्ली जिसको कहते हैं नस्ली जो जानवर होते हैं। एक दिन चौथे खेवे में सेठ जी ने दूना बोझ लादा, यानी जितना डाल लगते थे उसे दो गुना ज्यादा,
दिन भर का थका जानवर पैर मुश्किल से उठते थे। इस पर सेठ जी कोड़े सीध करने लगे। बैल जिगर तोड़कर चला, कुछ देर दूर दौड़ा, चाहा कि जरा दम ले। इधर सेठ जी को जल्दी घर पहुंचने की फिक्र, कई कोड़े बेदर्दी से लगाए। बैल ने एक बार फिर जोर लगाया, मगर ताकत ने जवाब दे दिया। जमीन पर गिर पड़ा और ऐसा गिरा कि फिर ना उठा। कई बोरे गुड़ और कई कनस्तर घी के बेचे थे, 200-400 रुपए कमर में बंधे हुए थे। गाड़ी पर कई बोरे नमक के थे, छोड़कर जा भी ना सकते थे। गाड़ी पर लेट गए, वहीं रत जगह करने की ठान ली और आधी रात तक दिल को बहलाते रहे। हुक्का पिया, गाया, फिर हुक्का पिया, आग जलाई, तापा, अपनी दानिश में तो जागते ही रहे। मगर जब पो फटी, चौंके और कमर पर हाथ मारा तो थैली नदारत, यानी अचानक आंख लगी, पो फटी मतलब जब कि थोड़ी सी रोशनी हुई तो देखा तो थैली जो कमर के साथ बंधी हुई थी पैसों की, वो गायब। कलेजा सुन सा हो गया, कमर टटोली, थैली का पता ना था। घबरा कर इधर उधर देखा, कई कनस्तर तेल के भी गायब थे। सर पीट लिया, पछाड़े खाने लगे। सुबह को बहजार खराबी घर पहुंचे, यानी सुबह को बड़ी मुश्किल से घर पहुंचे। सेठानी जी ने जब ये अलमनाक हादसा सुना तो छाती पीट ली। पहले तो खूब रोई, तब अलगू चौधरी को गालियां देने लगी। हिफ्ज़े मा तकदम की सूजी का मतलब ये हुआ कि उनको पता था कि हमने अलगू को पैसे तो दिए नहीं, तो पहले से अपने बचाव की कोई तदबीर सोच चलें कि ताकि अलगू के साथ हम दो दो हाथ कर सकें। नगोड़े ने ऐसा मनहूस बैल दिया कि सारे जन्म की कमाई लुट गई, यानी बैल ही मनहूस था, उन्होंने कुछ नहीं किया। इस वाक्य को कई माह गुजर गए। अलगू जब अपने बैल की कीमत मांगते तो सेठ और सेठानी दोनों झल्लाए हुए कुत्तों की तरह चढ़ बैठते। यहाँ तो सारे जन्म की कमाई मिट्टी में मिल गई, फकीर हो गए, उन्हें दाम की पड़ी है। मुर्दा मनहूस बैल दिया था, इस पर दाम मांगते हैं। आंख में धूल झोंक दी, मरा हुआ बैल गले बांध दिया। सबर ना होता हो तो हमारा बैल खोल ले जाओ, महीने के बदले 2 महीने जोत लो, और क्या लोगे। इस फयाजाना फैसले के कदरदान हजरात की भी कमी ना थी। इस तरह झड़प सुनकर चौधरी लौट आते, मगर 150 रुपए से इस तरह हाथ धो लेना आसान काम ना था, यानी 150 रुपए का बैल था, आसान चीज नहीं थी। एक पर वो भी बिगड़े, सेठ जी गर्म हो पड़े, सेठानी जी जज्बे के मारे घर से निकल पड़ी, सवालों जवाब होने लगे, खूब मुबाइसा हुआ। मुजादले की नौबत आ पहुंची। सेठ जी ने घर में घुसकर कवाड़ बंद कर लिए, यानी दरवाजे जो होते हैं। गांव के कई मुअज्जज आदमी जमा हो गए। दोनों फरीक को समझाया, समझू सेठ को दिलासा देकर घर से निकाला और सलाह दी कि आपस में सर फुटवल से काम ना चलेगा, मतलब एक दूसरे के सर फोड़ने से काम नहीं चलेगा, इससे क्या फायदा, पंचायत कर लो, जो कुछ तय हो उसे मान जाओ। सेठ जी राजी हो गए, अलगू ने भी हामी भर ली, फैसला हो गया। पंचायत की तैयारियां होने लगी। दोनों फरीकों ने गोल बंदियां मतलब ग्रुप बंदियां शुरू कर दी, लोगों को अपने साथ मिलाना शुरू कर दिया। तीसरे दिन इसी सायादार दरख्त के नीचे फिर पंचायत बैठी। रामधन मिश्र बोले, अब क्यों देर की जाए, बोलो चौधरी, किन किन आदमियों को पंच बिदते हो। मैंने अभी आपको बताया था पहले कि पंच बिदना किसे कहते हैं, यानी कोई आदमी मुकर्रर कर लेना अपनी तरफ से फैसले के लिए। अलगू ने मुनकसराना अंदाज में जवाब दिया, समझू सेठ ही चुन ले। समझू सेठ खड़े हो गए और कड़क कर बोले, मेरी तरफ से शेख जुम्मन का नाम रख लो। बस यहां तक हम आज के दिन की रीडिंग करेंगे और अब हम बाकी काम करते हैं। जी स्टूडेंट्स, हमने कल तक जो है वो 9 सवालात थे, उसके जवाब याद किए। आज हम आपको, मैंने आपसे कहा था कि मैं एक थोड़ी सी इबारत जो है वो उसको देखूंगी, आपके उसके इकतबास लूंगी, उससे आपको सिखाऊंगी कि कैसे हम उसकी तशरीह कर सकते हैं। तो ये इकतबास है जो कि हमारा बिल्कुल आखिर से लिया गया है, अभी हम इसे पढ़ेंगे, लेकिन मैंने आपको चूंकि तशरीह करवानी है तो मैं आपको सिखाना है कि तशरीह करते कैसे हैं। सबसे पहले तो इकतबास लिखा हुआ है कि भैया, जब से तुमने मेरी पंचायत की है मैं दिल से तुम्हारा दुश्मन था, मगर आज मुझे मालूम हुआ कि पंचायत की मसनद पर बैठकर ना कोई किसी का दोस्त होता है और ना दुश्मन, इंसाफ के सिवा इसे और कुछ नहीं सूझता। अलगू रोने लगे, दिल साफ हो गए, दोस्ती का मुरझाया हुआ दरख्त फिर से हरा भरा हो गया। अब वो चालों की जमीन पर नहीं, हक और इंसाफ की जमीन पर खड़ा था। तो ये तो है वो इबारत जिसकी हमने तशरीह करनी है। तशरीह करने के लिए हम किन किन चीजों को मद्देनजर रखते हैं। सबसे पहले तो एक चीज नोट कीजिए कि हमने 5
जो है वो हमने हाइडिंग के साथ काम करना है। नंबर वन हवाला लिखना है सबसे पहले हमने, इसके बाद हम हले लुगत लिखेंगे, यानी इसी उनवान में इकतबास में मौजूद जो मुश्किल अल्फाज हैं उसके माना लिखने होंगे। इसके बाद सियाको सबाक होता है, सियाको सबाक, सियाक का मतलब होता है आगे और सबाक पिछला, अगला पिछला, सियाको सबाक मतलब अगला पिछला। इसका मतलब यह है कि जो इसकी जो पैराग्राफ है इससे पहले क्या वाकयात रोनुमा हुए, उस उन वाकयात को इंतहाई इख्तसार के साथ बहुत ही मुख्तसर अंदाज में हमने लिखना होता है, और इसकी बहुत ज़्यादा लंबा इसको नहीं लिखना होता, 3 से 4 लाइनें जो हैं वो काफ़ी होती हैं। इसके बाद हमने तशरीह करनी होती है, मैं आपको सिखाऊंगी कि तशरीह आप कैसे करेंगे। सबसे पहले देखिए हवाला कैसे लिखते हैं। ये पैराग्राफ मुंशी प्रेमचंद के अफसाने पंचायत से लिया गया है, यानी ये इसका हवाला है। हले लुगत क्या है? पंचायत, यानी पंचायत का मतलब लिखिए वो बैठक जहाँ लोग किसी मसले का हल पेश करने के लिए बैठते हैं। मसनद कहते हैं कुर्सी को। सूजना मतलब ख्याल में आना, हक सच, मुरझाया हुआ कुमलाया हुआ, हरा शादाब और ताज़ा, ये चंद अल्फाज थे जिनके मीनिंग्स हमने लिख दिए। सियाको सबाक ये है कि इससे पहले क्या हुआ था, इस अफसाने में क्या बताया गया है। जाहिर है ये आखिर से है तो अफसाने में इससे पहले मौजूद बहुत ही अहम जो चीज़ें हैं वो हम लिख देंगे, बहुत लंबा नहीं लिखना। इस अफसाने में बताया गया है कि अलगू चौधरी और जुम्मन शेख गहरे दोस्त थे, दोनों की दोस्ती का आगाज बचपन से हुआ था। एक पंचायत के सिलसिले में जुम्मन शेख मुद्दई थे और अलगू चौधरी मुनसिफ था। अलगू चौधरी ने शेख जुम्मन की ख्वाहिश के बरक्स इसके खिलाफ फैसला दे दिया था, जिसे शेख जुम्मन और इनकी दोस्ती में दरार पड़ गई थी। चंद माह बाद दोबारा पंचायत हुई, इस बार अलगू चौधरी मुद्दई थे और शेख जुम्मन मुनसिफ की कुर्सी पर बैठा था। अलगू चौधरी ने सोचा हो सकता है अब जुम्मन शेख मुझसे बदला ले और फैसला मेरे खिलाफ करे, लेकिन इसके अंदेशों के बरक्स जुम्मन शेख ने इंसाफ के दामन को ना छोड़ा और मुकदमे का फैसला हक व इंसाफ की बुनियाद पर अलगू चौधरी के हक में हुआ। बस ये इतना सही है, ये क्योंकि आखिर से है तो ये पूरी की पूरी अफसाने को चंद लाइनों में, जिसको हम कहते हैं ना कुदरिया को कूजे में बंद कर दिया गया है। अब है तशरी। तशरी जो है वो हमेशा याद रखा करें, आप लोगों ने तशरी करनी है। अब तो जब भी आप किसी एक इसका मेन पॉइंट ये है कि जब भी आप किसी इकतबास की तशरी करते हैं तो जहां जो अल्फाज इसमें लिखे होते हैं आपने उन अल्फाज से शुरू नहीं करना होता, ये सबसे मेन पॉइंट होता है। बाज बच्चे क्या करते हैं, तशरी करते हुए इसकी सलीस कर देते हैं, मतलब यही लिखना शुरू कर देते हैं और बिल्कुल आसान अल्फाज, ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि कुछ ऐसे जो अल्फाज होने चाहिए जो इससे डिफरेंट हो। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, भैया जब से तुमने मेरी पंचायत की है, आप इसमें तशरी कहाँ से शुरू हुई, पंचायत से फारिग होकर जुम्मन शेख अलगू के चौधरी के पास आए और कहने लगे। अब देखिए ये जुमला कुछ और है, यहाँ कुछ और, अब क्या कहा वो ये है कि भैया कुछ अर्से पहले मेरी पंचायत इकट्ठी हुई थी और आपने मेरे खिलाफ फैसला दिया था, और तो आपकी इस बात से मुझे बहुत रंज हुआ था और मैं आपके इस फेल से दिली दिल में आपका दुश्मन हो गया था। ठीक है, तो ये सारे के सारे अब आपने इस चीज को खोल के बयान करना है, यानी इस 2 लाइनों से आपने कम अज कम 4, 5, 6 लाइनें बना देनी है। देखे यहां तो हो गया, और मौके की ताक में था कि मुझे जहां मौका मिले मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाऊं, मगर आज जब खुद इंसाफ की कुर्सी पर बैठा तो मुझे एहसास हुआ कि इंसाफ की कुर्सी क्या चीज होती है। जब किसी को मुनसिफ मुकरर किया जाता है तो वो हर रिश्ते को बलाए ताक रख लेता है। इंसाफ की कुर्सी का तकाजा ये है कि सिर्फ हक और इंसाफ की बात की जाए, किसी दोस्ती या दुश्मनी को खातर में ना लाया जाए, क्योंकि मुनसिफ किसी का दोस्त होता है और ना ही दुश्मन होता है। यहां तक है। अब इसके बाद देखें, अब ये आखिर में है कि जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है हमने उसकी करनी है, उसको हमने खोल के बयान करना है, और जो कम इंपॉर्टेंट है उसकी उसको कम बयान कर देना। अलगू चौधरी ने दिल से जुम्मन शेख के फैसले की तायद की, दोनों की आंखों में आंसू आ गए, इनके दिलों का मैल धुल चुका था और इनकी दोस्ती का जो फूल खजार सीधा हो चुका था वो फिर से खिल उठा, अब वो दोनों एक दूसरे के खिलाफ नहीं थे। यानी ये जो आखिरी 2-3 लाइनें हैं इसको इतना खोल के बयान करने की जरूरत नहीं थी, जब जिस चीज को ज्यादा जरूरत थी उसको हमने बयान कर दिया, और इस तरह आप जी आपका तशरी जो है वो मुकम्मल हो गई। जी स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 16 है, एक्सप्लेन द प्रेशर इन द लिक्विड्स। लिक्विड्स एक्सर्ट प्रेशर। लिक्विड जो होते हैं वो ऑल काइंड ऑफ लिक्विड्स, पानी भी उसमें आ जाता है, तो ये प्रेशर जो है वो लगाते हैं, दबाव लगाते हैं। और जब भी अगर आप, फॉर एग्जांपल मैं इसकी मिसाल दूं,
जब आप स्विमिंग पूल में स्विमिंग करते हैं तो जब आप छलांग लगाते हैं तो आपका जितना वेट होगा उसके अकॉर्डिंगली वो एक प्रेशर जो है वो आपके ऊपर अप्लाई होगा, वो आपको प्रेशर ऊपर की तरफ लगेगा, आपको एक क्या कहेंगे, एक थ्रस्ट मिलेगा, आप ऊपर की तरफ उठेंगे. द प्रेशर ऑफ लिक्विड एक्ट्स इन ऑल डायरेक्शन. मतलब अब मैं मिसाल दूं, अगर ये तो एक मैंने आपको एक मिसाल दी ना, इसमें एक ये भी है कि अगर कोई बॉडी पानी के अंदर चली जाती है, जिसम पानी के अंदर चला जाता है, तो उस पर हर तरफ से जैसे हवा दबाव लगाती है, ऐसे ही पानी या फिर और कोई लिक्विड हो वो उसके ऊपर दबाव लगाता है, चारों तरफ से, हर तरफ से लगाता है. कंसिडर अ सरफेस ऑफ एरिया ए इन अ लिक्विड एट अ डेप्थ एच. एक आप देख सकते हैं ये डायग्राम पे, इस डायग्राम में आप ये इस बॉडी को देख सकते हैं, ये इस पानी के अंदर डूबी हुई है और इसकी हाइट कितनी है, एच है, ठीक है, और इसका एरिया क्या है, ए है, एज शोन इन द शेडेड रीजन इन द फिगर. आपको ये शेडेड एरिया नजर आ रहा होगा. द लेंथ ऑफ द सिलेंडर ऑफ लिक्विड ओवर दिस सरफेस विल बी एच. ये देखो, ये इससे ऊपर का जो की जो हाइट होगी उसको आप एच कह सकते हैं, या फिर इसके पैंदे से लेकर इसके जो टॉप का जो पोर्शन है इस तक का जो इसकी जो हाइट होगी वो क्या होगी, एच होगी, जहाँ तक वो डूबा हुआ पानी में. द फोर्स एक्टिंग ऑन दिस सरफेस विल बी वेट. जाहिर सी बात है वो जो चीज़ उसके अंदर जो डूबी हुई है वो पानी के अंदर है, तो वो वेट की ही उसकी फोर्स होगी जो नीचे की तरफ लगेगी. लिक्विड अबव दिस सरफेस. इफ रो बी रो, ये जो सैम्बल होता है ना, ये पी नहीं इसको कहते, इसको कहते हैं रो. ये डेंसिटी के लिए यूज किया जाता है. इज द डेंसिटी ऑफ द, ये पतला सा पी होता है, वो जो दूसरा पी होता है वो प्रेशर के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बड़ा पी. पी रो इज द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड एंड एम इज द मैस ऑफ द लिक्विड अबव द सर्फेस. देन मैस ऑफ द लिक्विड सिलेंडर. तो जो मैस आप फाइंड करेंगे वो कौन से फार्मूले से फाइंड करेंगे, वो डेंसिटी के फार्मूले से फाइंड करेंगे. ये देखें, डेंसिटी आपके पास होती है मैस पर यूनिट वॉल्यूम. वॉल्यूम यहाँ से उठ के कहाँ आया, डेंसिटी के साथ. तो मैस आप जब आप फाइंड करेंगे तो वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी करेंगे. तो वॉल्यूम आपके पास जो है वो एक तो एरिया होता है और साथ में उसकी हाइट होती है. ये आपको पता होना चाहिए. ये किसी भी आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट है और साथ में उसका एरिया भी है, उन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो उसका वॉल्यूम बनेगा, और मल्टीप्लाई बाय उसके साथ क्या होगी, वो जिस चीज़ के अंदर डूबा हुआ है उसकी डेंसिटी होगी. फोर्स एक्टिंग ऑन एरिया ए, एफ इज इक्वल टू डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी. तो वो फोर्स जो है उसके ऊपर जो लगेगी वो वेट की फोर्स होगी. तो आप मैस की वैल्यू को एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी इधर पुट करेंगे और मल्टीप्लाई बाय जी कर देंगे ग्रेविटी, तो ये आपके पास क्या बनेगा, ये इसकी फोर्स बनेगी जो डाउनवर्ड उसकी एक्ट कर रही होगी. जब आप प्रेशर का फार्मूला लगाएंगे पी इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाय ए, तो आप एफ की जगह पे ए एच रो और जी पुट करेंगे और डिवाइडेड बाय ए, तो ए और ए कैंसिल हो जाएगा, तो रो जी और एच जो है वो आपके पास प्रेशर इन अ लिक्विड का फार्मूला है. तो इसके मुताबिक अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि एक साइंटिस्ट ने ला दिया प्रेशर ऑफ लिक्विड से रिलेटेड, तो उस लॉ को कहा जाता है पास्कल्स लॉ. प्रेशर अप्लाइड एट एनी पॉइंट ऑफ ए लिक्विड एनक्लोज्ड इन अ कंटेनर इज ट्रांसमिटेड विदाउट लॉस टू ऑल अदर पार्ट्स ऑफ द लिक्विड. मतलब जब आप लिक्विड के एक पॉइंट पे प्रेशर लगाएंगे, जैसा कि मैं आपको इस डायग्राम में दिखाता हूँ कि यहाँ पर ये पिस्टन लगा होता है, यहाँ पर इस जगह पे जब वो प्रेशर आप लगाएंगे तो ये लिक्विड जो है वो इस पूरी की पूरी इस सिलेंडर के अंदर हर तरफ उस प्रेशर को लेके वो प्रेशराइज करेगा उस लिक्विड को हर साइड पे. तो ये आपके पास क्या कहलाता है, पास्कल्स लॉ कहलाता है. प्रेशर अप्लाइड एट एनी पॉइंट ऑफ लिक्विड, किसी भी पॉइंट ऑफ लिक्विड पे जब आप प्रेशर अप्लाई करते हैं तो वो उसको ट्रांसमिट करता है, उसको ट्रांसफर करता है, ऐसे समझें कि वो हर तरफ उस प्रेशर को लगाता है विदाउट लॉस टू ऑल पार्ट ऑफ द लिक्विड. आप एक सिरिंज की भी मिसाल ले सकते हैं, एक ये जो इंजेक्शन जिसको कहते हैं, इसमें भी पिस्टन में की मदद से आप लिक्विड को प्रेस करते हैं, जब उसमें लिक्विड भरा होता है और आप उसको प्रेशराइज करते हैं, दबाते हैं, तो वो बगैर किसी रुकावट के, नुकसान के, वो सारे का सारा लिक्विड जो है वो आगे की तरफ मूव करता है उस प्रेशर की मदद से, और वो उस इंजेक्शन की नीडल से बाहर आ जाता है.
जी स्टूडेंट्स, ये एक एप्लीकेशन है, मतलब पास्कल लॉ को कहाँ पर अप्लाई आप कर सकते हैं, उसमें ये एक एप्लीकेशन है, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ हाइड्रोलिक प्रेस। हाइड्रोलिक प्रेस आपके पास एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको इस्तेमाल किया जाता है मुख्तलिफ जगहों पर, और इसमें जैसा कि आप एक सर्विस स्टेशन पे आप देखते हैं गाड़ी को जब एक पॉइंट पे ले जाके ठहराया जाता है और फिर उसकी मदद से उसको ऊपर की तरफ उठाया जाता है, आप ये जो ऑटोमोबाइल फैक्ट्रीज होती है उसमें भी इस हाइड्रोलिक प्रेस का इस्तेमाल होता है जिसकी मदद से उसको ऊपर की तरफ ले जाया जा सकता है या फिर नीचे की तरफ लाया जाता है। उसमें ये जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है वो उसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोलिक प्रेस कहते हैं। हाइड्रोलिक प्रेस इट कंसिस्ट ऑफ टू सिलेंडर्स ऑफ डिफरेंट डायमीटर, इसमें दो मुख्तलिफ डायमीटर के सिलेंडर होते हैं, एक आपको सिलेंडर ये नज़र आ रहा है ये इसका एरिया है, और एक सिलेंडर ये छोटा नज़र आ रहा है जिसका स्मॉल एरिया है ये। द ऑब्जेक्ट टू बी प्रेस्ड, जिस ऑब्जेक्ट को आपने प्रेस करना होता है ऊपर की तरफ दबाव दे के उसको उठाना होता है, उस साइड पे ऑब्जेक्ट को जो है वो प्लेस किया जाता है। इज प्लेस्ड ओवर द पोजीशन इन सिलेंडर ऑफ लार्ज डायमीटर ए, अ फोर्स एफ इज अप्लाइड ऑन द पोजीशन इन सिलेंडर ऑफ स्मॉल डायमीटर, उसके मुखालिफ जो स्मॉल डायमीटर रखने वाला जो सिलेंडर होता है उस साइड से फोर्स को जो है वो लगाया जाता है। वो इलेक्ट्रिकली भी लगाया जाता है, मतलब उसका उसका कनेक्शन जो है वो इलेक्ट्रिसिटी के साथ होता है, तो वो बटन को प्रेस किया जाता है तो वो वहाँ से फोर्स जो लगती है पिस्टन से उस पूरे के पूरे सिलेंडर का जो ये जो उसमें क्या भरा होता है, लिक्विड भरा होता है, वो जैसे ही वहाँ से फोर्स अप्लाई होती है तो वो लिक्विड जो है वो बगैर किसी रुकावट के वो आगे की तरफ उस प्रेशर को जो है वो मुंतकिल करता है, तो उसकी मदद से वो जैसे ही इस बड़े पिस्टन पे उसका दबाव पड़ता है तो वो ऊपर की तरफ उसको पुश देता है और ऑब्जेक्ट जो है वो ऊपर की तरफ उठने लग जाता है। तो सो दैट प्रेशर वैल्यू इज गिवन बाय, आप ये प्रेशर जो है वो दोनों एरिया की मदद से जो है वो आप इस फार्मूला को पुट कर सकते हैं, पी इज इक्वल टू एफ वन डिवाइडेड बाय ए। एफ वन जो है वो आपके पास फोर्स लग रही है स्मॉलर एरिया जो है वो उसकी तरफ से लग रही है, और जो प्रेशर जिस फोर्स की वजह से लग रहा है वो ये बड़े लार्जर एरिया की तरफ से ये लग रही है फोर्स एफ टू डिवाइडेड बाई ए। तो इन दोनों में जो लेफ्ट साइड है वो एक जैसी है पी पी, तो इसलिए इन दोनों इक्वेशन को आप कंपेयर कर लेंगे, इक्वेशन कंपेयरिंग इक्वेशन वन एंड टू, एफ टू डिवाइडेड बाई ए इज इक्वल टू एफ वन डिवाइडेड बाई ए। तो जब आप इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो आपने जाहिर सी बात है वो फोर्स फाइंड करनी है जिस फोर्स ने ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ पुश किया है, तो जाहिर सी बात है आपने वही करनी है क्योंकि वो तो आपको पता ही है जिस फोर्स को आपने खुद लगाया है उसका तो आपको पता है कि वो कितनी फोर्स इसके ऊपर स्मॉलर एरिया पे लगी है। लार्जर एरिया पे जो फोर्स लगती है उसको हमने मेजर करना होता है, तो एफ टू इज इक्वल टू इसका जो कैपिटल एरिया है यहाँ से डिवाइड से कहाँ चला जाएगा, मल्टीप्लाई में, जिसको आप यू लिख सकते हैं एफ टू इज इक्वल टू एफ वन इन टू कैपिटल ए डिवाइडेड बाय स्मॉल ए। ये एक एप्लीकेशन हो गई, और दूसरी एप्लीकेशन जो है वो इसकी ये व्हीकल्स में ब्रेकिंग सिस्टम जो है वो यूज़ किया जाता है। ये पास्कल लॉ की दूसरी एप्लीकेशन है जो आपकी बुक के अंदर दी हुई है, द ब्रेकिंग सिस्टम ऑफ कार्स बसेस एसेट्रा आल्सो वर्क ऑन पास्कल लॉ। द हाइड्रोलिक ब्रेक्स ये यूज़ की जाती है मुख्तलिफ बड़ी बड़ी जो बसेज होते हैं व्हीकल्स होते हैं उनमें ये यूज़ की जाती है, हाइड्रोलिक ब्रेक्स यूज़ की जाती हैं एज शोन इन फिगर 7.14 आप देख सकते हैं। अलाउ इक्वल प्रेशर टू बी ट्रांसमिटेड थ्रू आउट द लिक्विड, वो उसके अंदर उस रॉड्स के अंदर उन पाइप्स के अंदर लिक्विड भरा होता है, तो जैसे ही यहाँ से ये प्रेस करता है तो ये पिस्टन इसके अंदर भरे हुए जितना भी लिक्विड होता है उसको आगे की तरफ पुश करता है, तो वो आगे जो है बगैर किसी नुकसान के ट्रांसमिट होता है। व्हेन ब्रेक पैडल इज पुश्ड इट exerts a force on the master cylinder, master cylinder के ऊपर जो है वो एक जो है वो एक pressure पड़ता है, यह आपको नजर आ रहा होगा master cylinder, which increases the liquid pressure in it, the liquid pressure is transmitted equally through the liquid in the metal pipes, so all the pistons of other cylinders due to the increase in the liquid pressure the pistons in the cylinders move outward, बाहर की तरफ वो पिस्टन जो है वो निकलते हैं। द ब्रेक्स पैड्स, जो ब्रेक पैड्स लगे होते हैं जो गाड़ी के टायर्स के साथ लगे होते हैं वो प्रेशर उनके ऊपर पड़ता है विद द ब्रेक ड्रम्स, ब्रेक ड्रम्स की मदद से द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्रेक्स पैड्स एंड द ब्रेक ड्रम्स स्टॉप द व्हील्स। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डे 4 ऑफ योर सेकेंड एचओडी क्लास ऑफ केमिस्ट्री।
कल हमने थोड़ा सा क्रिटिकल टॉपिक पढ़ा था और मेरा जी चाह रहा है अभी आप मेरे सामने होते तो मैं आपसे उसका क्विज लेती। बहरहाल हम उसको आगे कंटिन्यू करते हैं जी। तो कल हमने क्या पढ़ा था? सॉल्युबिलिटी। और सॉल्युबिलिटी का पहला फैक्टर हमने डिस्कस किया था नेचर। कल मैंने दो तीन बार आपको एक्सप्लेन कर दिया था इसलिए मैं आज उसको रिपीट नहीं करूंगी, आगे जाऊंगी। तो हमारे पास सॉल्युबिलिटी का जो सेकेंड इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो क्या है? इंटर मोलेक्युलर फोर्सेस या इंटर मोलिक्यूलर फोर्सेस, वो फोर्सेस जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान एग्जिस्ट करती हैं। अब कहते हैं यहां पे ये कहना क्या चाह रहे हैं, मैसेज क्या देना चाह रहे हैं? अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट के दरमियान इंटर मोलिक्यूलर फोर्सेस सेम हैं तो वो सॉल्युबल होंगे, और अगर इंटर मोलिक्यूलर फोर्सेस डिफरेंट हैं तो वो सॉल्युबल नहीं होंगे। इस बात को अपने जहन में बिठा लें कि सिर्फ वही सॉल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्युबल होते हैं जिनके दरमियान इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस सेम होती हैं। अब इस चीज को प्रूव करने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूं। ये देखें आपके नोट्स पेज 90 पे ये डायग्राम आपको नजर आ रही होगी। ये आपके पास CH3, ये कार्बन है, इसके तीन हाइड्रोजन है और OH, ये एक अल्कोहल है, इसका नाम क्या है? मिथेनॉल। और ये आपके पास O और H2 क्या है? वॉटर। समझ आ रही है ना आपको डायग्राम? अब ये जो मिथेनॉल है जब इसको वाटर में मिक्स करते हैं तो इसके दरमियान दोस्ती हो जाती है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस सेम होने की वजह से। आपने पढ़ा है ना चैप्टर 4 में कि वाटर के दरमियान क्या एग्जिस्ट करती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसी तरह मिथेनॉल में भी क्या एग्जिस्ट करती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जब हम इनको आपस में मिक्स करते हैं तब भी ये क्या बना लेते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कैसे बनाते हैं? इस डायग्राम को देखें। अल्कोहल का ये जो ऑक्सीजन है ये पार्शली नेगेटिव है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो ये जो नेगेटिव वाला ऑक्सीजन है ये वाटर मॉलिक्यूल के पॉजिटिव हाइड्रोजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। इस अट्रैक्शन की वजह से, ये आपको डॉटेड लाइंस नजर आ रही है, इस अट्रैक्शन की वजह से इनके दरमियान एक इंटरेक्शन बन जाएगा जिसको क्या कहेंगे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो मैं बात को यहां पर सम अप करती हूं कि वो कंपाउंड जिनकी इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस सेम है वो सॉल्युबल होंगे। तो यहां आपको अब जवाब थोड़ा थोड़ा आपका जहन बन रहा होगा कि ऑयल वाटर में क्यों नहीं मिक्स होता, क्योंकि उनकी इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस सेम नहीं है। तो आप कुछ जो पोलर कंपाउंड है जो वाटर में मिक्स होते हैं वो किस वजह से होते हैं? बिकॉज ऑफ इट। तो दो फैक्टर्स आपको क्लियर हो गए, एक नेचर का फैक्टर क्लियर हुआ, उसके बाद बताया। अब आपसे यूं सवाल अगर पूछा जाए कि आयनिक कंपाउंड वाटर में किस तरह से सॉल्युबल होते हैं तो आप क्या कहेंगे? आयन डायपोल इंटरेक्शन। अगर आपसे पूछा जाए कि पोलर कंपाउंड वाटर में किस तरह से सॉल्युबल होते हैं तो आप कहेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब तीसरी चीज देखते हैं, सॉल्युबिलिटी ऑफ नॉन पोलर कंपाउंड। इट मींस दैट सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट डिपेंड्स अपॉन बोथ नॉन पोलर कंपाउंड्स। मैं इसको यहां से खुद एक्सप्लेन करती हूं आपको कि अगर सॉल्यूट भी नॉन पोलर होगा और सॉल्वेंट भी नॉन पोलर होगा तो वो एक दूसरे में सॉल्युबल होंगे। यही वजह है कि वैक्सेस, फैट्स, ऑयल्स, बेंजीन, ईथर, दे आर सॉल्युबल इन ईच अदर बट दे आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर। अब आपको पता है ना कि आपका बोर्ड पैटर्न चेंज हो गया है, आपसे सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, क्रिटिकल सवाल पूछे जाते हैं। तो क्या अगर मैं यहां पे रुक के आपसे ये कुछ सवाल कर रही हूं, आप जरा अपने जहन में सोचें कि क्या आपके जहन में इसके जवाब आ रहे हैं? मैं आपसे पूछूं कि नमक पानी में क्यों मिक्स हो जाता है और कैसे मिक्स हो जाता है, तो आप कहेंगे कि वाटर पोलर है, नमक आयनिक कंपाउंड है, वो आयन डायपोल इंटरेक्शन से मिक्स हो जाता है। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि अल्कोहल क्यों मिक्स हो जाती है तो आप क्या जवाब देंगे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जरिए से मिक्स होती है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ऑयल वाटर में क्यों नहीं मिक्स होता तो आप क्या कहेंगे? कि उनके इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज और नेचर सेम नहीं है, ऑयल नॉन पोलर है और उसके दरमियान इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज वीक है, वाटर पोलर है और उसके दरमियान इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज स्ट्रांग है। इसी तरह अगर आपसे कहा जाए कि ऑयल और पेट्रोल एक दूसरे में क्यों मिक्स हो जाते हैं तो आप कहेंगे कि दोनों की नेचर सेम है, दोनों की इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज सेम है, दोनों की नेचर नॉन पोलर है, दोनों की इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज वीक है, इसलिए वो सॉल्युबल होते हैं। तो अभी मैंने दो फैक्टर्स आपके पास कंप्लीट किए हैं सॉल्युबिलिटी के और उनको बार बार एक्सप्लेन किया है, इसलिए इवन के ये रिकॉर्डिंग है लेकिन फिर भी मैंने बार बार पॉइंट्स हाईलाइट किया और मैं चाहती हूं कि आप बहुत तवज्जो से सुने और ये तमाम कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हो जाएं। यहां तक आपने इसको याद भी करना है। अभी थोड़ी सी चीजें मैं और आपको एक्सप्लेन करूंगी आज के पोर्शन में, लेकिन यहां पे थोड़ी देर पॉज लें और इन चीजों को सोचें और इसके ये जो स्ट्रक्चर्स हैं इनको ड्रॉ करें और इसको लिखें अपनी कॉपी पे। वैसे अगर तो आपको पिछला टॉपिक समझ आ गया है तो ये सेल्फ असेसमेंट तो आपको खुद आंसर कर देनी चाहिए। मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूं, आप जरा मेरे साथ इसको सुने। पेज 90 फ्रॉम योर नोट्स, सेल्फ असेसमेंट 6.8, क्वेश्चन नंबर 1, सोडियम क्लोराइड एंड ग्लूकोज बोथ आर सॉल्युबल इन वाटर।
ये दोनों ये चीज आपने अपने घर में देखी हुई है, नमक को पानी में मिक्स किया है ना कभी, और ग्लूकोज ग्लैक्सोज डी उसको भी पानी में मिक्स किया है, जल्दी मिक्स हो जाता है ना, बट द सॉल्युबिलिटी ऑफ NaCl इज ग्रेटर देन ग्लूकोज. लेकिन आपने नोट किया होगा कि नमक फौरन से पानी में मिक्स हो जाता है, लेकिन ग्लूकोज इतनी जल्दी पानी में मिक्स नहीं होता. कहते हैं क्यों, बताएं. अब इसके दो हिस्से हैं इस सवाल के. पहला हिस्सा है NaCl इज सॉल्युबल इन वाटर बाय आयन डायपोल इंटरेक्शन, जो मैं आपको पढ़ा के आई हूं, कल भी पढ़ाया है, अभी भी एक्सप्लेन किया है. बट ग्लूकोज डिजॉल्व इन वाटर बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग. तो NaCl वाटर में डिजोल्व होता है आयन डायपोल इंटरेक्शन की वजह से, और ग्लूकोज डिजोल्व होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग. लेकिन दूसरा मसला ये कि ग्लूकोज का साइज बहुत बड़ा है. ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6, तो उसका साइज बड़ा है. वाटर का फॉर्मूला है NaCl. सो सॉल्युबिलिटी ऑफ ग्लूकोज इज लेसर देन NaCl ड्यू टू ग्रेटर स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज. इन विच लिक्विड ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स यू वुड एक्सपेक्ट KCl एज एन आयनिक सॉलिड टू बी मोर सॉल्युबल. अच्छा, अब वो आपको एग्जाम्पल्स दे रहे हैं, कुछ उन्होंने दी हैं, उसमें से एक मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूं. जैसे कि वो कह रहे हैं कि वाटर और CCl4 में कौन जो है वो उसमें सॉल्युबल होगा. इन विच लिक्विड ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर यू वुड एक्सपेक्ट KCl एन आयनिक सॉलिड टू बी मोर सॉल्युबल. तो KCl में कौन ज्यादा सॉल्युबल होगा, वाटर सॉल्युबल होगा या CCl4 सॉल्युबल होगा? डेफिनेटली वाटर सॉल्युबल होगा, क्योंकि KCl आयनिक कंपाउंड है और वाटर पोलर है, तो वो उसमें सॉल्युबल होगा. किस वजह से? आयन डायपोल इंटरेक्शन की वजह से. लेकिन CCl4 KCl में सॉल्युबल नहीं होगा. किस वजह से? क्योंकि वो पोलर कंपाउंड है, CCl4 नॉन पोलर कंपाउंड है और KCl आयनिक कंपाउंड है. नेक्स्ट हमारे पास जो पार्ट है वो कह रहे हैं कि CH3OH और बेंजीन, इसमें से कौन सॉल्युबल होगा KCl में? पीछे आपने स्टेटमेंट देखी है ना. अब CH3OH क्या है? मिथनोल, एक पोलर कंपाउंड है, मैं आपको बता रही हूं, और बेंजीन एक नॉन पोलर कंपाउंड है. तो आयनिक कंपाउंड में कौन डिजोल्व होता है? पोलर कंपाउंड. तो KCl विल बी मोर सॉल्युबल इन CH3OH बाय आयन डायपोल इंटरेक्शन. KCl किस में मिक्स होगा इन दोनों में से? CH3OH में. क्यों? क्योंकि वो आयन डायपोल इंटरेक्शन बनाएगा. लेकिन बेंजीन में मिक्स नहीं होगा, क्योंकि बेंजीन नॉन पोलर है और वो उसके साथ कोई इंटरेक्शन एस्टेब्लिश नहीं करता. मैं ये सेल्फ असेसमेंट भी पूरी नहीं कर रही, यहां पे स्टॉप कर रही हूं पार्ट बी तक. ये पार्ट बी तक आज आपने जितना भी लेक्चर मैंने आपको बताया है वो इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस के हवाले से, नॉन पोलर कंपाउंड्स के हवाले से, और ये सेल्फ असेसमेंट इसको मेमोराइज करें, अंडरस्टैंड करें, एंड मस्ट राइट इट डाउन, बिकॉज विदाउट राइटिंग यू कांट गेट थिंग्स क्लियरली. ओके स्टूडेंट्स, सो वी शिल डिस्कस दीज questions from tomorrow. Soluble and insoluble materials. Let us conduct an experiment to check the solubility of some substances. Take 3 glasses of water, a spoon, and some salt, sugar, and sand. Add a spoon of salt to the first glass and stir it. You will notice that the salt completely dissolves in water. Similarly, add a spoon of sugar to the second glass. You will observe that the sugar also dissolves in water. Finally, add the sand sample to the glass of water. The sand will not dissolve in water and just settles at the bottom of the glass. Materials like salt and sugar are called soluble as they dissolve completely in water, whereas some substances which do not dissolve in water, like sand, are called insoluble materials. Floating and sinking objects. There are some objects that float in water and some that sink. Take 3 glasses of water. In separate beakers, take oil, small pebbles, and dry leaves. Add all 3 materials to the 3 glasses respectively. Observe that oil floats on water and forms a separate layer. The pebbles sink in water and settle at the bottom of the glass. The dry leaves float on water as they are very light. This demonstration gives us an idea about objects that sink and